चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑर्गन पाइप पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, उसका सारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये सब जाने थे, है ना। उसको पूछना बहुत जरूरी है ना। चलिए रेडमी से जो जवान है वो ओपन करेंगे अपना माइक। रेडमी से जो जवान है, बोलिए जल्दी से, लगता है उनके पास आवाज नहीं जा रहा है। चलिए कोमल जो है वो अपना माइक ऑन करेंगे। कहाँ सोए हुए हैं सब लोग। चलिए खुशी कुमारी, सर चलिए आप बताइएगा, थर्ड हार्मोनिक क्लोज ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। फर्स्ट ओवर टू नहीं, थ्री फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलना है डायरेक्ट, एफ बराबर। वी बाई 4 एल। चलिए आप बताइएगा, फिफ्थ ओवर टोन क्लोज ऑर्गन पाइप में फॉर्मूला बताना है फ्रीक्वेंसी का। 5 V/4 L। क्लोज बोले थे, अब अपना माइक ऑफ कीजिए आप। चलिए बताएंगे इसके बाद ओम प्रकाश, यस सर। आप बताइएगा, 10th हार्मोनिक का फॉर्मूला बताना है क्लोज ऑर्गन पाइप का। 10th नहीं होगा सर। अच्छा नहीं होगा, तो 10th ओवर टोन बताइए क्लोज ऑर्गन पाइप में, उसका फॉर्मूला इलेवन बताइए। इंटू वी बाई 12। क्लोज में बोले हैं, क्लोज में, ओपन में नहीं। क्लोज में क्या होता है आपका, दुगना से एक ज्यादा होता है ना। अगर यस 10th 10th ओवर टोन बोले हैं तो इसका मतलब आपका कौन सा हो गया, 21 इंटू फोर, अच्छा इंटू अच्छा 21 V/4 L ये हो जाएगा। चलिए आप माइक अपना ऑफ कीजिए और एक दो लोग से पूछ लेते हैं। चलिए शिवम ठाकुर, बोलिए जल्दी से, शिवम ठाकुर नहीं बोलेंगे। चलिए अब नई क्लिंस पूछते हैं तो हम थ्योरी पढ़ा देते हैं, है ना। देखिए, सर, हाँ बोलिए। ओवर टोन से फ्रीक्वेंसी निकालना निकालना है तो फिर से बताइए। ओवर टोन से आपको क्या है, सिंपल फॉर्मूला याद करना है। अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो एक आगे बढ़ के बताना है, क्लोज है तो भी एक आगे बढ़ के बताना है। लेकिन चूंकि क्लोज है फ्रीक्वेंसी ऑड में सिर्फ पाया जाता है, जैसे कि आपका ये बताइए कि आपका ओपन ऑर्गन पाइप है, मान लीजिए पांचवा ओवर टोन का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो छठा का बताना है, एक आगे का फ्रीक्वेंसी होता है ओवर टोन, मतलब नेक्स्ट कमिंग फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसमें क्या होता है कि अब क्लोज में क्या है, क्लोज में तो 1 3 5 7 9 पाया जाता है, तो उसमें अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखिएगा तो अगर कोई पूछे 10th आया थी, 10th ओवर टोन का क्लोज में बताइए, तो दुगना से ज्यादा यानी 21 हो जाएगा। 10 2 21 आते 20 और 1 21, इस तरह से बोला जाता है फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस क्या होता है उसको समझ लीजिए। रेजोनेंस रेजोनेंस क्या होता है, तो रेजोनेंस जो है यह भी वेव फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है, रेजोनेंस, है ना। अब रेजोनेंस का नाम तो आप ऐसे भी सुने होंगे, बहुत फेमस है नहीं। तो यहाँ पर रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है, तो रेजोनेंस का मतलब होता है कि यदि सोर्स और सिस्टम का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो इफेक्ट सबसे अच्छा होता है। इफेक्ट मतलब रिजल्ट,
उस फेनोमेना को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस का मोर कॉमन एग्जांपल आपका सभी जगह, जैसे रेजोनेंस कहाँ कहाँ पढ़ना है आपको, तो रेजोनेंस जो है आपको सबसे पहले एसएचए में पढ़ना है, फिर साउंड वेव में पढ़ना है, लाइट वेव में पढ़ना है, करंट में पढ़ना है, सभी जगह रेजोनेंस की जरूरत पड़ता है। तो रेजोनेंस का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, ये आपका झूला है ना, झूला पर आप लटके हुए हैं या बैठे हुए हैं, जो भी है, चलिए आपका फिगर बना देते हैं, एक लटके हुए हैं या बैठे हुए जो भी है, ऐसे है झूला पर। अब मान लीजिए कि आप तो झूलिएगा ऐसे, तो आपका दोस्त जो है यहाँ पर जो खड़ा है वो आपके साथ साथ दौड़ेगा झूला के साथ, आपको क्या करेगा, इधर से एक बार झटका देगा, हल्का सा देगा, आप आगे जाइएगा, फिर पीछे लौट के यहाँ तक आ जाइएगा, फिर जब यहाँ पहुंचेगा तो दोबारा हल्का सा पुश कर देगा। तो आप बताइए कि इसका पुशिंग फोर्स का डायरेक्शन और आपके मोशन का डायरेक्शन सेम था तो एम्पलीट्यूड बढ़ते चला जाएगा। आप क्या कीजिए, एक जगह खड़े हो जाइए और यहाँ से क्या कीजिए, उसको बार बार धीरे धीरे, ज्यादा तेज से नहीं धक्का देना है, एक बार धक्का दे दीजिए, वो आगे जा करके पीछे आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ जाने, जैसे ही उस डायरेक्शन में गया तो फिर से धक्का दे दीजिए, तो देखिएगा धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड बढ़ते चला जाएगा, यानी रिजल्ट यानी इफेक्ट जो है बढ़ते चला जाएगा। कब, जब ये सिस्टम का ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी और जो एक्सटर्नल एजेंट था उसका फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, तब इफेक्ट जो है सबसे मैक्सिमम होता है और इस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए, यानी रेजोनेंस का मतलब हुआ कि सब का जो है एक मतलब डायरेक्शन होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का। उस समय क्या होगा, तो साउंड के केस में क्या होगा, यहाँ तो इफेक्ट आपको एम्पलीट्यूड में दिख रहा है, साउंड के केस में इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, जो हम लोग रिजल्टिंग इंटेंसिटी पढ़े थे ना, वो इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो रेजोनेंस के कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, पाई एकदम जीरो डिग्री होना चाहिए या टू पाई होना चाहिए या फोर पाई होना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट को बढ़ाना है, इसी कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस हमने कहा कि सभी जगह होगा, साउंड में होगा, लाइट में होगा, सभी जगह रेजोनेंस वर्ड का मतलब ही यही होता है। और ऐसे भी आपके घर में जो पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, ये सारा रेजोनेंस का इफेक्ट है, यानी वहां भी जो करंट आ रहा है सर्किट में बाहर से पोल पर से खींच रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज के आसपास होता है, लगभग इंडिया में फिक्स है 50 हर्ज होता है, है ना। और आप मोबाइल चार्जर या बल्ब या पंखा पर देखिएगा तो वहां भी लिखा रहेगा 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब पंखा भी बनाया गया 50 हर्ज पर, करंट भी आ रहा है 50 हर्ज पर, और तब दोनों अच्छा से काम करेगा। लेकिन वही लाइन जब कट जाता होगा और इन्वर्टर से पंखा चलता होगा तो आवाज बदल जाता है, क्यों, इन्वर्टर का फ्रीक्वेंसी 50 नहीं होता, उसके आसपास थोड़ा अलग होता है, इसीलिए वहां पर आवाज जो है थोड़ा बदल जाता है। तो फ्रीक्वेंसी पर सारा वर्क करता है और उस केस में एनर्जी भी ज्यादा लॉस होता है। याद कीजिएगा कि आप ध्यान से मोबाइल चार्जर वगैरह अगर यूज करते हैं तो इन्वर्टर वगैरह पर क्या होगा, अगर जो पुराना इन्वर्टर होगा अस्पार बेबला, तो उसमें देखिएगा चार्जर ज्यादा गर्म होगा। तो रेजोनेंस सभी कंडीशन में होता है, मतलब यहाँ आपको एसएचएम में भी हो रहा है, साउंड में भी हो रहा है रेजोनेंस, सभी जगह। तो रेजोनेंस में क्या होता है, इसका अगर एक्सपेरिमेंटल व्यू आप देखेंगे तो बात समझ लीजिए, इसको तो हमको समझाना, हमको साउंड में ले जाना है, लेकिन रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ हम इस बात को समझना चाह रहे हैं, ठीक है। रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है उसको हम समझना चाह रहे हैं। तो रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, अगर एक्सटर्नल एजेंट जो है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी सोर्स यानी सिस्टम के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, सिस्टम के फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, मैच कर जाएगा, तो जो फिनोमेना हो रहा है उसका इफेक्ट सबसे अच्छा होगा, सबसे ज्यादा होगा, इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। और सभी जगह ये होता है, जैसे कि एक और एग्जांपल बताते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे एक बात तो समझ लीजिए, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपने मन से जैसे तैसे पढ़ेंगे तो उतना बेटर रिजल्ट नहीं होगा जितना मेरा बात मान के पढ़िएगा, समझ रहे हैं बात को। तो
तो यानी जो हम कह रहे हैं उस कंडीशन में आप अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट सबसे बेहतर होगा। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस समझ लीजिए बात को, है ना। तो यहाँ पर जो होगा कि एक्सटर्नल एजेंट का जो फ्रीक्वेंसी है जो भी है और सिस्टम का फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए तो एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी का इफेक्ट जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, है ना। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट या सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स भी कह सकते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी का सोर्स मैच विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम, देन सिस्टम सो मैक्सिमम इफेक्ट दिस कंडीशन इज नोन एज क्या, रेजोनेंस। हम सभी का एक साथ यूज कर रहे हैं रेजोनेंस, लेकिन इसी को साउंड के केस में डिफाइन करेंगे तो क्या होगा। साउंड के केस में क्या होगा इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से, है ना। साउंड के केस में क्या होगा उसको बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो साउंड के केस में क्या होगा उसको समझिए। तो साउंड के केस में क्या होगा, जैसे यहाँ एक टर्म होता है, एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, है ना, ट्यूनिंग फॉर्क। तो एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका फ्रीक्वेंसी पहले दे दिया जाता है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, है ना। और एक आपका कोई दूसरा सिस्टम हो, जैसे मान लिया जाए कि आपका ऑर्गन पाइप नहीं ले लीजिए, है ना, ऑर्गन पाइप हो। अब इसका फ्रीक्वेंसी F1 है, मान लीजिए इसका फ्रीक्वेंसी जो है ये आपका ऑर्गन पाइप है, ये क्या है, ऑर्गन पाइप है कोई, इसका फ्रीक्वेंसी F2 है, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाएगा तो जानते हैं साउंड एक बार बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। बात समझ में आ गया कि किन्हीं को कष्ट है ये बताइए। सर एक बार फिर से बताइए ना। क्या फिर से बताएं, बोलिए। तो ये जो बताए दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। आप प्रार्थना कभी गाए हैं? यस सर। तो सब लोग अलग अलग बार अलग अलग तरह से गाइए तो कैसा लगेगा, अजीब फेनोमेना डेवलप होगा, लेकिन सब लोग लगभग एक ही साथ स्वर डेवलप करते हैं, है ना, और म्यूजिक का धुन भी एक साथ आता है तब बजाता है। कहने का मतलब क्या हुआ ना कि दो चीजों की फ्रीक्वेंसी अगर एक साथ मैच कर जाए तो इफेक्ट जो होगा एनवायरमेंट में वो सबसे अच्छा होगा, उसी इफेक्ट को रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस एक कंडीशन है, मतलब कंडीशन मतलब समझते हैं, एक शर्त है कि इसी कंडीशन में आपका इफेक्ट अच्छा होगा, है ना। और इसीलिए तो आप याद कीजिए होम थिएटर वगैरह जो है कैसे लगाते हैं, सब बॉक्स को अलग अलग जगह पर लगाते हैं, कॉर्नर में, चारों कॉर्नर में अलग अलग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो सब, यही कंडीशन के लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ रेजोनेंस इस कंडीशन में डेवलप होता है, यानी रेजोनेंस का मतलब यही होता है कि दो चीजों का, एक अगर सोर्स है तो दूसरा सिस्टम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए तभी आपका इफेक्ट मैक्सिमम होगा, और जो मैक्सिमम इफेक्ट हो रहा है उस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। क्योंकि देखिए हमको इसका एक इफेक्ट दिखाना है निकाल करके, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन अभी यहाँ नहीं करना है इस टॉपिक में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ आपको फिनोमेना समझना है और उसके बाद एक इसका हम लोग को रेजोनेंस कॉलम ट्यूब पढ़ना है। एक्चुअली हमको पढ़ाना था रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, लेकिन रेजोनेंस वर्ड आप लोग जानते नहीं थे इसलिए रेजोनेंस कॉलम ट्यूब हम पढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए रेजोनेंस की बात कर रहे थे। और देखिए रेजोनेंस में क्या होता है, इसका अगर ग्राफ है तो हम आपको एसी करंट में इसका ग्राफ बना दिखाएंगे कि रेजोनेंस के कंडीशन में क्या होता है। ग्राफ जो होता है इंटेंसिटी यानी इफेक्ट का वो इस तरह से भागता है,
और याद कीजिए रेजोनेंस कोचिंग का, अगर आप देखिएगा ग्राफ तो यही बनाया रहता है, उसका सिंबल देखिएगा उसमें यही बनाया रहता है। तो रेजोनेंस का मतलब होता है कि कम ही समय में आपका क्या हुआ, इफेक्ट बहुत मैक्सिमम भागेगा, इस तरह से होता है। तो ये रेजोनेंस का क्या होता है, ग्राफ होता है। तो रेजोनेंस का कंडीशन इतना समझ लीजिए कि एक बात समझ लीजिए, हम सिंपल सिंपल कहे कि मेरे हिसाब से आप चलना शुरुआत कर दिएगा तो रिजल्ट आपका बेहतर होगा, इस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। बस समझ लीजिए, क्योंकि आपसे ज्यादा तजुर्बा हमको है कि रिजल्ट कैसे होता है, टॉप कैसे होता है उसका अलग कंडीशन है, रिजल्ट होता है उसका अलग कंडीशन है ना। पीछे से रिजल्ट लेना है क्या करना है, बीच में जाना है क्या करना है, टॉप करना है क्या करना है। तो सबसे पहले रिजल्ट लेने के लिए सोचिए, और रिजल्ट लेने का एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आपको हर एक चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूला कम से कम याद होना चाहिए, है ना। जो बनाने और दिमाग की बात करते हैं ना उसको भूल जाइए, पहले रट लीजिए, याद कर लीजिए पूरा फार्मूला और कॉन्सेप्ट को, आपका रिजल्ट हो जाएगा पीछे से। अब आपको मीडियम में जाना है तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और टॉपर अगर बनना हो तो जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना सब कुछ याद करने के बाद, सारा कंडीशन समझने के बाद आपको एक्स्ट्रा चीज पढ़ना पड़ेगा, टॉप का अलग कंडीशन होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि टॉप करने के लिए आपको अलग व्यू रखना पड़ेगा, लेकिन सीधा टॉप करने का व्यू रखेंगे तो रिजल्ट भी नहीं होगा। सीधा पहले व्यू रखिए कि हमको पहले सारा कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, सारा फॉर्मूला याद है कि नहीं, पीछे रिविजन है कि नहीं, कोई अगर पूछ दे पीछे जितना पढ़े हैं उसमें से याद है कि नहीं, अगर इतना कर लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा किसी भी एग्जाम में। तो रेजोनेंस वर्ड का मतलब सीधा सीधा एक बार फिर से समझ लीजिए, यही है कि आपका सिस्टम और सोर्स का फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए तो इफेक्ट मैक्सिमम होता है। और झूला के कंडीशन में तो सबसे पहले वही समझ में आएगा, क्योंकि आप इसीलिए तो हम बताए थे सबसे पहले झूला के कंडीशन में रेजोनेंस। आप याद कर लीजिए कि अगर इसको झुलाना हो तो जब उधर एक बार धक्का दिए फोर्स लगाए, ये जाके इधर आके फिर उधर जाएगा, उस समय फोर्स लगाइए तब धक्का आपको ये इसका इफेक्ट बढ़ेगा। मान लीजिए कि उधर से लौट रहा था आप इधर से फोर्स लगा दिए तो क्या इफेक्ट बढ़ेगा, इफेक्ट और घट जाएगा, उस कंडीशन को रेजोनेंस नहीं कहते हैं। यानी रेजोनेंस का मतलब होता है रिपीटेशन के बाद सर्टेन इंटरवल के बाद ही फिर आपको एक्सटर्नल एजेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा या फोर्स लगाएगा, उस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, सर्टेन इंटरवल के बाद, है ना। यानी कि आपका डायरेक्शन सेम होना चाहिए तभी आपका रेजोनेंस का कंडीशन एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। मान लीजिए कि प्रार्थना हम गा रहे हैं पांच को मिलके, और चार को मिलके उसका उल्टा आवाज में गाना कर दीजिए तो कुछ नहीं होगा, घटना घटित होगा, या म्यूजिक उल्टा कर दीजिए, तो वही चीज यहाँ करने जा रहे थे, है ना। तो हमको एक्चुअली ऑर्गन पाइप और ट्यूनिंग फॉर के साथ एक रेजोनेंस करवाना है, या कोई भी सिस्टम हो, दो ऑर्गन पाइप हो कोई दिक्कत नहीं है, दो ऑर्गन, जैसे कि आप क्या कीजिए, एक गिलास को बजाइए हट से आवाज आएगा, अब दो गिलास को एक ही साथ बजाइए तब देखिए आवाज कैसा होगा, लेकिन आपका फ्रीक्वेंसी लगभग डिफरेंट ही थोड़ा बहुत रहेगा। सेम फ्रीक्वेंसी रियल लाइफ में पैदा करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब ग्लास का फ्रीक्वेंसी जो होगा, वाइब्रेशन जो होगा, आपका बीटिंग फोर्स पर भी डिपेंड करेगा। तो बीटिंग फोर्स पर जब डिपेंड करेगा तो आप याद कीजिए, जब दो मारिएगा तो दोनों हाथ से दोनों गिलास पर सेम ही फोर्स लगाइएगा, यह कंडीशन तो एकदम आप अगर लगा सकते हैं तो आपका रेजोनेंस वो एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। तो रेजोनेंस का कंडीशन है जो समझ में आ गया कि रेजोनेंस एक फिनोमेना है, और उस फिनोमेना के तहत ही सारा इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, यहाँ तक कि हम अभी तो बताया आपका मोबाइल चार्जर भी उसी पर वर्क करता है। एक बात समझ लीजिए ध्यान से, अगर यहाँ का मोबाइल चार्जर, अब तो आपका मोबाइल चार्जर का फ्रीक्वेंसी एकदम सेट कर दिया गया वाइब्रेशन, नहीं तो अमेरिका में फ्रीक्वेंसी जो चलता है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का 60 हर्ज का चलता है। कितना हर्ज का चलता है? 60 हर्ज का, और पूरे वर्ल्ड, अमेरिका को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में चलता है 50 हर्ज का। तो अमेरिका में जो कंपनी आपका चार्जर लैपटॉप मोबाइल इंस्ट्रूमेंट बनाया, वह इंडिया में लाइएगा तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, क्यों? ये 50 हर्ज पर वर्क कर रहा है, और बाहर से जो करंट आ रहा है आपके पोल से जो लाइन खींच रहे हैं ना, उसका फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ज है। तो यहाँ के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट बनता था, वहां के लिए अलग, लेकिन अब देखिए आपके मोबाइल चार्जर पर लिखा रहता 50 to 60 हर्ज। अब मतलब साइंटिस्ट और हम लोग जो इंजीनियर लोग हैं ज्यादा होशियार हो गए हैं, ऐसा वेरिएबल बना दिए कि दोनों पर काम करे अच्छा से,
सर्किटें या फिर वेरिएबल बना दीजिए, तो 50 आप, इसीलिए आपके मोबाइल चार्जर वगैरह पर अब नया वाला में लिखा रहता है, पहले वाला में नहीं लिखा रहता। अगर पुराना आपको 8-10 साल पुराना चार्जर होगा तो उस पर लिखा रहेगा 50 हर्ट्ज। या फिर अभी भी मर्करी खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक चौक खरीदते हैं, या CFL बल्ब होता है या LED बल्ब होता है, उसके कवर पर देखिएगा लिखा रहेगा 50 हर्ज का फ्रिक्वेंसी, ये सब लिखा रहता है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन और डाटा आपको सब दिया हुआ रहेगा, एक भी ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं दिया रहेगा। आप समझ में? तो इस तरह से आपका सब दिया रहता है, तो इसलिए क्योंकि रेजोनेंस के कंडीशन में ही सारा वर्क करेगा। और किसी को कोई कष्ट है तो बोलिए, क्योंकि इसको तो अब हम ज्यादा देर तक रखेंगे नहीं, हमको आगे भी बढ़ना है। देख लीजिए, बाद में आप थोड़ा सा गूगल भी सर्च कर लीजिएगा, है ना। हमारे क्लास लेने के बाद बहुत कुछ है, या बुक भी देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि रेजोनेंस क्या है। नया वर्ड आएगा तो टेंशन तो थोड़ा देगा, क्योंकि रेजोनेंस अभी 12th में 3-4 जगह पढ़ना हम लोग को धीरे धीरे। तो देखिए, हम रेजोनेंस की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, रेजोनेंस की बात कर रहे थे। अब हम लोग रेजोनेंस कॉलम ट्यूब की बात करेंगे। रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इससे भी हम लोग स्पीड ऑफ साउंड वेव निकालते हैं। आई बस समझ में? इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, आपका साउंड वेव का स्पीड निकालते हैं कि आखिर कितना होगा। एक तो हम सोनोमीटर से निकाले थे, जो हम लोग 2 वायर फिक्स था उस पर निकाले थे। इसमें भी हम लोग रेजोनेंस कॉलम ट्यूब में भी हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। रेजोनेंस कॉलम ट्यूब आखिर होता क्या है, है ना। रेजोनेंस कॉलम ट्यूब क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए रेजोनेंस कॉलम ट्यूब की हम बात कर रहे थे, है ना। तो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब में देखिए क्या होता है, एक पाइप होता है, एक्चुअली ऐसा एक पाइप बना दीजिए, और लंबा बनाना है तो और लंबा बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पाइप में ऐसे क्या कर दीजिए, इस तरह से, और यहाँ भी है, और यहाँ पर जो है ना एक होल कर दीजिए, और वो होल जो है ना उसमें पानी, और उसके बाद इसमें जो है इस तरह से एक पाइप ऐसे रखिए जो क्लोज हो। ये क्या है, वाटर यहाँ तक है, पानी इन सभी में फैला हुआ है, इधर से इधर और इधर तक इसमें पानी भर दिया जाता है। क्या है, वाटर है इसमें, क्या है, वाटर है इसमें। यही रेजोनेंस कॉलम ट्यूब है, रेजोनेंस, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब है ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क है, चलिए ट्यूनिंग फॉर्क को अब की बार इधर से मैं बनाता हूँ, है ना। ये ट्यूनिंग फॉर्क है ऐसे, ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। मान ले जाए कि इस अभी पहले इसका फ्रीक्वेंसी नहीं था, देखिए ये एफ फ्रीक्वेंसी से क्या था, ये एफ फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा था इसका फ्रीक्वेंसी, और ये वाइब्रेट नहीं कर रहा था। तो देखिए रेजोनेंस कॉलम ट्यूब में ऑलवेज एक बात और कर लीजिए, ये क्लोज ऑर्गन पाइप के जैसा बिहेव करेगा। रेजोनेंस कॉलम ट्यूब है जो क्लोज ऑर्गन पाइप के जैसा क्यों बिहेव करेगा भाई, तो यहाँ पानी है, यहाँ क्या है आपका पानी है, तो ये क्लोज इन हो गया, ओपन इन एक ही को रह सकता है। और यानी कि आप कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं इसको आप, कि क्लोज ऑर्गन पाइप के जैसा बिहेव करेगा, क्लोज ऑर्गन पाइप के जैसा बिहेव करेगा। इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से, कैसा बिहेव करेगा, क्लोज ऑर्गन पाइप के जैसा बिहेव करेगा। इस बात को आप कंडीशन को समझ सकते हैं। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होगा उसको देखते हैं। तो बात को समझ लीजिएगा, इसमें क्या किया जाता है ना, इस पाइप को ऊपर नीचे किया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, पानी इसमें ऊपर नीचे जाता है,
पानी पहले एकदम ऊपर रख दिया जाता है, ऊपर तक लबालब इसको ऐसा करके ऊपर उठा देते हैं कि पानी इसमें आ करके इसको पूरा भरा हुआ रहे। उसके बाद इसको धीरे धीरे लो डाउन करते हैं जिससे इसमें पानी नीचे जाने लगता है, ठीक है। और ये फ्रिक्वेंसी में जब वाइब्रेट कर रहा है ये ट्यूनिंग फॉर्क, तो ये क्या करेगा, हवा के मीडियम को वाइब्रेट करवाएगा। याद कीजिए हम बोल रहे हैं तो मेरा कंठ वाइब्रेट कर रहा है, कंठ वाइब्रेट कर रहा है और उससे जो साउंड वेव निकल रहा है तो मीडियम पार्टिकल को भी वो उसी फेज में वाइब्रेट करवाता है जिस फेज में मेरा कंठ वाइब्रेट करेगा। यानी सोर्स की जितनी फ्रिक्वेंसी रहेगी उतना ही फ्रिक्वेंसी से मीडियम भी वाइब्रेट करेगा आपका। तो ये मीडियम को वाइब्रेट करा देगा, आने के यहाँ एयर जो प्रेजेंट है उसको वाइब्रेट कर देगा। उस एयर के वाइब्रेशन के आने के बाद ये वाइब्रेट करने लगेगा, क्या करने लगेगा, ये भी वाइब्रेट करने लगेगा। लेकिन जब ये वाइब्रेट करने लगेगा तो ये अपना फ्रिक्वेंसी अचीव करता है, और अपना फ्रिक्वेंसी अचीव करता है यानी कि इसको पानी को नीचे लेते जाइए। मान लिया कि पहली बार यहाँ पर जब था रेजोनेंस मिला, फर्स्ट टाइम में यहाँ पर जो है रेजोनेंस मिल गया, पहला बार में यहाँ रेजोनेंस मिल गया, आने की फर्स्ट टाइम F1 फ्रीक्वेंसी जब था उस समय इसको रेजोनेंस अनुभव हुआ। क्या हुआ, रेजोनेंस मतलब साउंड जो है एक पैर बढ़ गया। अभी हम बात नहीं माने और भी हम करते नीचे, फिर दोबारा नीचे लेते चले गए और लेते चले गए, तो फिर आपको एक और भी पोजीशन आया, पानी जब इतना नीचे चला गया F2 फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ भी रेजोनेंस अनुभव हुआ, रेजोनेंस अनुभव हुआ। लेकिन F2 यहाँ नहीं लिखेंगे, F3 लिखेंगे। कहिए सर क्यों लिखेगा F3? एक बात बताते हैं, क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप में सेकंड हार्मोनिक पाया ही नहीं जाता है, थर्ड सीधा पाया जाता है। पहले लिख दिए थे क्लोज हार्मोनिक। इतना बात समझ में आया कि नहीं आप लोग को, ये बताइए। अब सब पॉइंट पर पूछते चलते हैं, क्योंकि फिर आगे इन्हें कि पूरा समाप्त हो जाता है, सब पीछे कुछ नहीं आया समझ। यानी ये ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट चूंकि अब हम लोग कर रहे हैं, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ये। एक्सपेरिमेंट कोई किया है उसको आपको याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, कंपटीशन में। तो यहाँ से देखिए, ध्यान समझ लीजिए, तो यानी कि दो बार, यानी पहली बार अगर ये लेंथ L1 है, L1 लेंथ यहाँ से ऊपर से खाली था, L1 लेंथ तब रेजोनेंस किया है, और दूसरी बार जो है आपका L2 लेंथ खाली है तब रेजोनेंस हुआ है। दो बार रेजोनेंस हुआ है, और दो बार रेजोनेंस करके ही हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको रेजोनेंस यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो तीन वर्ड है उसको सबको भी यूज कर रहे हैं, है ना। बी जो होगा यहाँ पर डायमीटर ऑफ क्या होगा, आपका ऑर्गन पाइप होगा। एक वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं डी से, वो डायमीटर ऑफ ऑर्गन पाइप है। क्या है ये, ऑर्गन पाइप है। देखिए एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर क्या होता है ना, साउंड वेव में यहाँ पर क्या होता है कि आप जिस पॉइंट पर, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जिस पॉइंट पर, देखिए साउंड में क्या होता है ना कि आपका यहाँ एंटी नोड बनता है कि नोड बनता है, आप लोग बताइए। इस ओपनिंग पर एंटी नोड बनेगा कि नोड बनेगा, बोलिए जल्दी से, एंटी नोड बनेगा। लेकिन एंटी नोड जो बनता है ना, एकदम यहाँ एंड पर नहीं बनता, एंड से थोड़ा ऊपर चला जाता है एंटी नोड, हवा में बनता जा करके। एंटी नोड का पोजीशन, एंटी नोड का जो पोजीशन है ना, ये एंटी नोड ऐसे जैसे बनते आता है, तो एंटी नोड ऐसे जाके बन जाता है, यहाँ से ऐसे बन जाता है, ये पोजीशन पर जाके एंटी नोड बनता है, यहाँ एंटी नोड बनता है। और ये एंड करेक्शन कहा जाता है, क्योंकि एंड से थोड़ा ऊपर जाके बना। तो हम लोग समझ रहे हैं कि लेंथ ऑफ पाइप 5 मीटर है और उससे ऊपर लंबाई बढ़ गया, तो 5 मीटर से ज्यादा हो गया ना, तो एंड करेक्शन को x से डिनोट करते हैं, मतलब कितना ऊपर जाके बन रहा है ये बात डिनोट किए हैं। तो x यहां जो है क्या है, एंड करेक्शन है। क्या है ये, एंड करेक्शन है। यानी एक फिनोमेना और यहां पर आपको समझ में आया कि ऑर्गन पाइप में जो ओपन एंड होता है वहां पर आपका एंटी नोड नहीं बनता है। एंटी नोड कहां बनता है, ऊपर थोड़ा जाके बनता है, कहां जाके बनता है, ऊपर जाके बनता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बात को समझ लीजिए, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो है आपका ये है जो x है, जो क्या है आपका इंड करेक्शन है। क्या है आपका, इंड करेक्शन। इस बात को समझ लीजिए, क्या है आपका, इंड करेक्शन। तो यहाँ पर यानी इंड से, यानी लेंथ में जो आने की फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला अगर लिखते हैं, तो अब हमको क्या लिखाएगा यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी का अगर फॉर्मूला लिखिएगा, अगर
अभी थोड़ा सिंपल लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए अगर चलते हैं इंड करेक्शन के हिसाब से फॉर्मूला लिखने फ्रीक्वेंसी का, तो एफ बराबर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होगा क्लोज ऑर्गन पाइप का वी बाई फोर एल होता था, लेकिन एल प्लस एक्स होगा, ये ऐसा होगा फॉर्मूला। देख लीजिए क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। और अगर आपका थर्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखिएगा इसका क्लोज का, तो थ्री वी बाई फोर एल प्लस एक्स होगा, ऐसा होगा फॉर्मूला आपका। ये बात याद कर लीजिए पहले, समझ रहे हैं बात को, अलग अलग होगा आपका, इस बात को समझ लीजिए। उसी तरह से फॉर ओपन ऑर्गन पाइप रहेगा तो क्या लिखेगा, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप रहेगा तब क्या लिखेगा, ओपन ऑर्गन पाइप में चूंकि दोनों इंड ओपन होता है ना, तो दोनों इंड ओपन होता है तो पहला फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूला लिखेगा वी बाई टू एल, तो टू नहीं लिखाएगा यहाँ पर, एल प्लस टू एक्स लिखाएगा, एल प्लस क्या लिखाएगा, टू एक्स लिखाएगा, इस बात को समझ लीजिए। अब सेकेंड फ्रीक्वेंसी लिखिएगा तो सेकेंड में लिखिए, लेकिन आपको एक पॉइंट और यहाँ लर्न करना है अभी कि इंड करेक्शन जो होता है, इंड करेक्शन एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, 0.3 डी डायमीटर होता है, 0.3 × d होता है, ये याद करना। ये फॉर्मूला आपको डेरिवेशन में निकल के आएगा, आगे हम लोग डिराइव भी करेंगे। और यहाँ d क्या है, डायमीटर ऑफ, डायमीटर ऑफ ऑर्गन पाइप है, क्या है आपका, ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप का ये क्या है आपका, डायमीटर है, इस बात को समझ लीजिए, क्या है, डायमीटर ऑफ ऑर्गन पाइप है, इस बात को समझ लीजिए। चलिए किन्हीं को तो कुछ पूछना नहीं है, आगे बढ़ जाए तो, अभी एक्सपेरिमेंट समाप्त नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत भी नहीं किए हैं एक्सपेरिमेंट, है ना, तो ज्यादा कुछ तो मिटाएंगे नहीं, इतना दूर से मिटाएंगे सिर्फ। देखिए बात को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर तो ज्यादा कष्ट नहीं हो सकता है। देखिए हम लोग रेजोनेंस करवा रहे हैं, तो हम लोग दो पार के रेजोनेंस करवाए थे, बात आपको समझ में आ गया है ना, एक एक्स वन पर और एक्स टू पर हम लोग क्या किए थे, रेजोनेंस किए करवाए थे, एक एक्स वन पर और एक कितना, एक्स टू पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है आपका दो बार फ्रीक्वेंसी, देखिए रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम होता है, एक बार यहाँ पर आया तो रेजोनेंस क्या, एक बार यहाँ आया तो एक पहली बार जो आया वो पहला फ्रीक्वेंसी इसका होगा, किसका होगा, इसका पहला फ्रीक्वेंसी होगा, यानी वी बाई फोर एल प्लस एक्स होगा, एल वन लिख देते हैं, एल वन प्लस एक्स होगा, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी हुआ यानी कि एट रेजोनेंस हुआ, एट क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस हो गया। उसी तरह से एफ टू, सेकेंड टाइम जब रेजोनेंस होगा तब क्या लिखेगा, थ्री भी बाई फोर और एल टू प्लस एक्स होगा। देख लीजिए ध्यान से, ये भी एट रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस हुआ, याद कर लीजिए दोनों बार रेजोनेंस, दो बार रेजोनेंस हुआ। एक्चुअली हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, हम लोग क्या करें एक्सपेरिमेंट, पानी को नीचे ले जा रहे थे, इसमें एक बार आवाज 23 बढ़ा, फिर अगला बार 23 बढ़ा, दो बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है इसमें, तो दो बार एक्सपेरिमेंट किया है, तो पहला बार ये जो है, पहला बार जो है ये फर्स्ट हार्मोनिक के साथ इसके साथ रेजोनेंस किया होगा, और सेकेंड टाइम जो है थर्ड हार्मोनिक के साथ ये रेजोनेंस किया होगा, कौन से हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक के साथ रेजोनेंस किया होगा, है ना। लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी पहला हार्मोनिक के साथ भी वही होगा, थर्ड हार्मोनिक के साथ वही होगा, यानी आप डेट इज कह सकते हैं कि F1 और F3 का वैल्यू क्या होगा, सेम हो जाएगा, यानी F1 इक्वल टू F3 हो जाएगा, और इक्वल टू F लिख सकते हैं किसका, इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है। और तब यहां से दोनों वैल्यू को सेम कीजिएगा तो V बाई फोर एल वन प्लस एक्स होगा, और फिर होगा थ्री वी बाई
फोर एल टू प्लस एक्स होगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए फोर फोर कट गया, भी कट गया, ये उधर चला गया, तो थ्री एल वन प्लस एक्स आ गया और एल टू प्लस एक्स हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ से अब क्या निकल जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, दोनों को इक्वल कर दिए हैं तो यहाँ से थ्री एल वन प्लस थ्री एक्स इक्वल टू एल टू प्लस एक्स हो गया, है ना। तो इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा आपका, यहाँ से ले आइएगा तो थ्री एक्स माइनस एक्स इधर लिखिएगा और एल टू माइनस थ्री एल वन हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, तो यहाँ से जो एक्स निकल के आएगा वो एक्स बराबर आ गया एल टू माइनस थ्री एल वन, आप आई क्या हो गया टू हो गया, ये एक्स का वैल्यू आ गया। यानी इंड करेक्शन का फॉर्मूला निकाल दिए यहाँ से, कितना इंड करेक्शन का वैल्यू निकाल दिए। अब इंड करेक्शन का वैल्यू किसी एक फ्रिक्वेंसी में आप पुट कर दिए, किसी एक फ्रिक्वेंसी में आप इस इंड करेक्शन का वैल्यू पुट कर दिए किसी एक फ्रिक्वेंसी में, तो दोनों तो सेम ही है, तो पहला या दूसरा तीसरा किसी में पुट कीजिए, तो पहला में पुट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बराबर जो हो गया भी आप आई आपका फोर हो गया था और ब्रैकेट के अंदर आ गया एल वन आप प्लस एक्स था, एक्स के बदले वैल्यू पुट की गई है एल टू माइनस थ्री एल वन आप आई टू था, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये टू इधर आ जाएगा और फिर इससे ये टू से कट जाएगा, तो आपको जो बच जाएगा आपका भी बाई ऐसे बच जाएगा टू बाहर कॉमन में और यहाँ टू एल वन प्लस एल टू माइनस थ्री एल वन, देख ली ध्यान से, अब ब्रैकेट बंद, तो हमको लगता है इसमें से घट के एल टू माइनस एल वन बच जाएगा और टू भी नीचे बचेगा। तो एक बात आप समझ लीजिए, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं कैलकुलेशन, ये बात समझिए, वहां से इंड करेक्शन का वैल्यू आ गया एल टू माइनस थ्री एल वन बाई टू आ गया, वो बात समझ लीजिए, तो फॉर्मूला डेरिवेशन था। और फ्रीक्वेंसी देखिए, तो स्पीड ऑफ वेव हम निकालना चाह रहे हैं वहां से, भी बराबर भी हमको पता नहीं वही निकालना चाह रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड वेव यही निकलेगा अभी फॉर्मूला से, तो हम इधर अगर इसको मिटाते हैं तब उधर ही आपको लिख सकते हैं। तो देखिए जब स्पीड ऑफ वेव लिखिएगा तो स्पीड ऑफ वेव का वैल्यू क्या होगा वो समझ लीजिए आप लोग ध्यान से, स्पीड ऑफ वेव भी बराबर क्या लिखिएगा, स्पीड ऑफ वेव भी बराबर क्या लिखिएगा आप, तब भी बराबर लिखिएगा देखिए ये टू गुने फ्रीक्वेंसी आ जाएगा टू एफ अब ब्रैकेट के अंदर बच गया एल टू माइनस एल वन, एल टू माइनस एल वन, ये फॉर्मूला हो गया स्पीड ऑफ वेव का। यानी इस तहत से भी हम लोग क्या करते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस पर रीडिंग लिखा रहता है, यानी कहने का मेरा मतलब इस पर रीडिंग लिखा रहेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेंटीमीटर, इस तरह से रीडिंग लिखा रहता है, तो रीडिंग लिखा रहता है तो हमको एल वन पता चल जाएगा एल टू पता चल जाएगा। और ये देखिए एक तो बात पता होना चाहिए ना, ये सोर्स हो गया, ये सोर्स का काम कर रहा है, तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही होना चाहिए ना कि कितना सा रहा है, वही सब कुछ अनोन रहेगा तो काम कैसे चलेगा। यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी हमको नहीं पता था लेकिन इस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी हमको पहले से पता था, यानी कि जो सोर्स जो है ना उसका फ्रीक्वेंसी पहले से पता होना चाहिए तभी ना उसी के हिसाब से सर्किट ऑसिलेट करेगा, इसीलिए आपका ये फ्रीक्वेंसी पहले से पता रहेगा और एल टू माइनस एल टू और एल वन एक्सपेरिमेंट से आएगा और तब स्पीड ऑफ वेव यानी स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर यहाँ से भी निकल जाता है। देख लीजिए अगर कोई कष्ट है तो बताइए, इस पर डायरेक्ट नीट क्वेश्चन भी पूछा और जेई मेन पूछा, एडवांस नहीं जेई मेन, इस फॉर्मूला पर, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, सोच लीजिए अब, क्योंकि इतना एक्सपेरिमेंट करने जाइएगा वहां बैठ करके आप रेजोनेंस कॉलम ट्यूब में, आपको यही ध्यान रखना है स्पीड ऑफ वेव में जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा सोर्स का, इसका फ्रीक्वेंसी मतलब नहीं है सोर्स का फ्रीक्वेंसी, और दो बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एल वन एल टू का वैल्यू दिया रहेगा केवल, आई बात समझ में। तो यहाँ से बात आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि नहीं समझ सकते, अब बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। सर हाँ बोलिए सर, वहाँ पे जो एक्स लिए वो कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल होगा? कांस्टेंट हो जाता है, 0.3 डी डायमीटर के बराबर आता है। और किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, आप सोचिए ना, यहाँ कांस्टेंट नहीं आ गया, इस वैल्यू को पुट कीजिएगा ना तो यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू नहीं बताएगा, एल टू एल वन तो एक्सपेरिमेंट में आ ही जाएगा आपका, पेन करेक्शन वहां से नहीं बता देगा ये, और ये फिक्स्ड वैल्यू होगा, क्या होगा फिक्स्ड वैल्यू होगा,
और किन्हीं को कोई दिक्कत है? गौरव समझ में आ गया है सर? फॉर्मूला में जो बोलिए, जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स का है ना? हाँ सोर्स का है, वो आपको पहले से बता रहेगा। ट्यूनिंग फॉर्क क्वेश्चन जब भी देगा तो ट्यूनिंग फॉर्क पर ही देता है वो, है ना, ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी रहेगा। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए तो इस पर क्वेश्चन भी तो हो जाना चाहिए, जब इतना समझ गए हैं तो इस पर क्वेश्चन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। तो पिछले क्लास में जो आप लोग को ऑर्गन पाइप भेजे थे ना क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में आप 8-10 नंबर बनाइए, 11 नंबर जल्दी से बनाइए। तो 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर सब उसी का क्वेश्चन है, 13 नंबर सब क्वेश्चन लगातार बताएंगे भी, 10, 11, 12, 13 इसलिए आप लोग से बना भी नहीं होगा वो सब क्वेश्चन। दस ग्यारह बारह तेरह लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन जो था 10 नंबर में क्या कह रहा था, 10 नंबर क्वेश्चन में सारा बतला देता हूँ, ध्यान समझिए। कहता है ओपन पाइप ऑफ लेंथ 47 सेंटीमीटर है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 340 है, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ ट्यूब इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इतना। डायमीटर ऑफ ट्यूब निकालने के लिए कह रहा है, जबकि वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है, ठीक है। ओपन पाइप है मतलब क्लोज नहीं, दोनों तरफ से ओपन है आपका, ये 47 सेंटीमीटर का ऐसे है, ओपन ऑर्गन पाइप है ऐसे, इसका लेंथ जो है 47 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है ये, ठीक है। कहता है इसका जो फ्रीक्वेंसी जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/12 होता है, लेकिन यहाँ पर L प्लस 0.6D फार्मूला होगा, अभी हम बताए थे आपको, याद कीजिए ओपन बताए थे ना कि 2x होता है और x का वैल्यू 0.3 होता है। ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों तरफ, तो यहाँ पर जैसे कि आप नोड एंट्री नोड बनाए, मान ली यहाँ भी नोड है, यहाँ भी नोड है, यहाँ भी नोड है, तो ऐसे ये वाइब्रेट करते हुए बाहर निकल जाएगा ऐसे हवा में, इधर से वाइब्रेट करते हुए ऐसे हवा में ऐसे थोड़ा दूर तक चला जाएगा ऐसे, तो इधर भी x होगा और इधर भी x होगा, और x का वैल्यू 0.3D होता है। तो ओपन ऑर्गन पाइप में फार्मूला जो है, देखिए क्वेश्चन का ये सिर्फ कब कैसा बनाएंगे ये बात को समझ में हमको नहीं आया, कब हम ये वाला लेंगे फार्मूला, कब हम सिंपल वाला लेंगे, जब जब आपको ऑर्गन पाइप का डायमीटर के बारे में चर्चा करे या उसका वैल्यू दिया रहे तब ये फार्मूला लेना है, अन्यथा फिर आपको सिंपल फार्मूला V/12 लेके काम निकाल देना है। तो यहां से आपको देखिए सब कुछ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है 340 दिया हुआ था, 340 और स्पीड ऑफ साउंड भी 340 था, ये 2 था और L जो है आपका 47 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 47 सेंटीमीटर है तो 0.47 मीटर कर लीजिए, क्योंकि ये साइंस में क्वेश्चन बनाना चाहिए हमेशा 0.60 हो गया, अब ये से ये तो कट गया तो 1 हो गया, तो इधर लाइएगा तो 0.47 प्लस 0.60 बराबर क्या हो गया 1/2 बच जाएगा, यानी 0.5 बच जाएगा, आप समझ लीजिए बात को, क्या बच जाएगा 0.5 आपका बच जाएगा, इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर बात अगर समझते हैं अच्छी तरह से तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर 0.5 मीटर है ये, इसको उधर ले जाइए तो 0.6D इक्वल टू क्या होगा, इसको घटाइए 0.5 में से आपको 0.47 घटाना है, तो D बराबर जो हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, D बराबर लिखिएगा तो ये 3 तो बचेगा और 0 बचेगा और पॉइंट ऐसे होगा अगर 0.6 होगा, यानी काटिएगा तो दशमलव तो ऊपर नीचे अगर कट जाएगा तो नीचे 100 मतलब ऐसा हो जाएगा 20 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इतना मीटर आएगा, यानी D बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, देख लीजिए क्वेश्चन है ना, देख लीजिए बात को समझ में आया कि नहीं ये बोलिए। अब
10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, आप ये बताइए कि समझ में आया कि नहीं जो बताए क्वेश्चन, वो समझ लीजिए आप। सर 0.60 कैसे आया? हम अभी ना बोले कि x का वैल्यू 0.3 होता है, और यहाँ पर ओपन ओपन पाइप में एंड करेक्शन इधर भी होगा, एंड करेक्शन इधर भी होगा, तो 2x होगा यहाँ पर, l प्लस 2x, और x चलिए एक बार और फॉर्मूला लिख देते हैं। अब बोल दिए तो हम सोचे थे कि नहीं लिखेंगे, लेकिन 2x ये फॉर्मूला होता है ओपन ओपन पाइप के लिए, f फॉर ओपन, और क्लोज के लिए जो फॉर्मूला होता है वी बाई फोर एल प्लस एक्स होगा, यही दोनों अंतर अभी फॉर्मूला वहां लिखे थे, एल प्लस एक्स होगा, यहाँ एल प्लस 2x होगा, ओपन में 2x और क्लोज में x होगा। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन 11 नंबर में चलेंगे। देखिए कहता है इन एवब क्वेश्चन 11 में कहता है कि 10 में ही चलिए, इन एवब क्वेश्चन इफ वन एंड क्लोज देन कैलकुलेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एक एंड अगर क्लोज कर दिएगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतलाना है कि कितना होगा। तो देखिए एक एंड जब क्लोज कर दिएगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब वही पाइप है, लेकिन अब की बार एक एंड क्लोज कर दिए इधर से, और एल बराबर जो है 0.47 मीटर ही है, यानी 47 सेंटीमीटर ही है, तो फंडामेंटल भी बाई क्या होगा 4, और एल प्लस 0.3 हो जाएगा, याद कर लीजिए अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है तो ये फॉर्मूला होगा, और आपको 340 तो पता है पहले से, आप 4 भी पता है, एल 0.47 है ये पता है, आप प्लस 0.3 और डी का वैल्यू जो आया था 5 सेंटीमीटर आया था, देखिए निकाल दिए थे हम लोग, डी का वैल्यू इस क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर आया था, तो 0.05 लिखिएगा क्योंकि मीटर में लिखना है आपको सब कुछ, और अब यहाँ से 340 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर देखिए अब क्या क्या होगा वो समझ लीजिए, 0.47 और प्लस 5 या 15 तो होगा, लेकिन 0.015 ऐसे होगा, देख लीजिए ध्यान से, अब आप गुना भाग कर सकते हैं अपने से, तब आंसर आ जाएगा 4 इंटू जोड़िएगा तो क्या होगा 5718 और 4 होगा 0.485, ये आपका आंसर आएगा। यानी अगर सिंपल बात कीजिए तो इसको गुना कीजिएगा तो 4 16 5 20 8 32 16 18 मतलब लगभग 1.8 से डिवाइड कीजिए लगभग 2 से, तो इसको 170 के आसपास आंसर आना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा, उसे थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि आपको गुना भाग करने के बाद आंसर आ जाएगा 175.3 हर्ट्ज। चलिए उसके आगे जो है 12 नंबर उसको देखिए, हम बताने के लिए तैयार हैं, पहले इसमें बताइए कि समझ में आ गया डाटा सब कुछ, देख लीजिए ध्यान से बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कुछ आगे पीछे हो गया लगता है उसमें, मतलब नहीं क्वेश्चन नंबर तो एक ही है ना, आगे पीछे कैसे हो जाएगा, 10 नंबर अभी बताए हैं, क्वेश्चन नंबर तो ठीक है, 11 बताए हैं, अब 12 नंबर बताएंगे, 12 13, और ऑर्गन पाइप का लिख खोलिएगा, ऑर्गन पाइप दूसरा मत खोलिएगा, ऑर्गन पाइप, देखिए ऑर्गन पाइप में ये अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, हम 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कहता फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज 160 है, द पाइप इज वर्टिकली डिप्ड इन अ वाटर सो हाफ ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देखिए एक बात समझ लीजिए, ओपन ऑर्गन पाइप है ये, इसकी लंबाई एल है, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी एफ वन का फॉर्मूला वी बाई 12 होगा, आप कहे सर इसमें एक्स क्यों नहीं लिखे प्लस में, तो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि डायमीटर ऑफ पाइप का डिस्कशन कहीं क्वेश्चन में नहीं कर रहा है, तो हम अपने मन से कुछ नहीं करने वाले हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी दिया 160 हर्ज,
ये इक्वेशन नंबर पहला हो गया। कहता है इसको उठा करके पानी में डाल दिए, इसी पाइप को उठा के पानी में डाल दिए, एल लेंथ का पाइप था, एल ही लेंथ का पाइप था लेकिन पानी में डाल दिए तो आधा जो है ये पानी में डूब गया, आधा क्या है पानी में डूब गया ये, ऐसे तो ऊपर हवा वाला जो लंबाई बचा एल बाई टू बचा आपको। अब आप बताइए ध्यान से कि ये कैसा ऑर्गन पाइप के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि यही ओपन ऑर्गन पाइप को यहाँ रखे हैं, तो ओपन के जैसा बिहेव करेगा कि क्लोज के जैसा, क्लोज क्लोज के जैसा है ना, तो क्लोज के जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ये क्लोज के जैसा बिहेव करेगा तो क्लोज में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई फोर एल होता है, लेकिन एल के बदले अब यहाँ कितना लीजिएगा, एल मत लीजिएगा, एल के बदले तो अब एल बाई टू लिया जाएगा ना, देख लीजिए ध्यान से, एल के बदले एल बाई टू लिया जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए गौर से, ऐसे देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, एल के बदले जो है आपका एल बाई टू लिया जाएगा तो कट जाएगा, तो फिर से एफ वन बराबर क्या होगा वी बाई ट्वेल्व ही आ गया, यानी इसका भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 160 हर्ज होगा। यानी सोच लीजिए ओपन ऑर्गन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था एल लेंथ में, उसका हाफ लेंथ में ही क्लोज ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद है 13 नंबर, देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ था 12 नंबर भी और 13 नंबर भी, दो दो बार नीट पूछे हुए हैं, एक बार जेईई में पूछे हुए क्वेश्चन को, एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है। चलिए यहां पर देखिएगा ध्यान से, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज वाइब्रेट जस्ट अबव ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 120 एंड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 120। ये बात कहता है एक ऑर्गन पाइप, एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये ट्यूनिंग फोर्क जो है ऐसे है यहाँ रखा हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है आपका 340 हर्ज दिया हुआ है, और कहता है एक ऑर्गन पाइप है उसके जस्ट नीचे रखा हुआ है ऐसे, तो कहता है और ऑर्गन पाइप की लंबाई जो है ये लेंथ जो है 120 सेंटीमीटर टोटल है ऑर्गन पाइप की लंबाई यहां से यहां तक, ठीक है, और इसमें इधर जो है पानी, कहता है व्हाट इफ वाटर पुड इन इट देन व्हाट मिनिमम हाइट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस, कहता है इसमें पानी डालने लगे, इसमें क्या डालने लगे, पानी इसमें डाल रहे हैं, वाटर आप इसको पुट कर रहे हैं इसमें वाटर, तो नीचे से पानी जमेगा, तो कहता है कि मिनिमम कितना लेंथ ऑफ पानी रखिए कि रेजोनेंस इसके साथ करे, बात समझ लीजिए, मिनिमम कितना लेंथ ऑफ पाइप रखिए कि ये आप उसके साथ रेजोनेंस करने लगे, क्या करने लगे, रेजोनेंस करने लगे, इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, यही क्वेश्चन है, मिनिमम कितना लेंथ ऑफ पाइप रखिए कि रेजोनेंस करने लगे, बताइए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब सोच लीजिए, आप लोग को टाइम दिया गया 2 मिनट, सॉल्यूशन करके दिखाइए क्या। देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन जिधर से बनाना चाहिए उधर से क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा नहीं, इसीलिए जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप इसका एफ वन फ्रीक्वेंसी निकालिए, देखिए ध्यान से, फॉर फर्स्ट रेजोनेंस, फॉर फर्स्ट रेजोनेंस, देखिए एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन था, फॉर फर्स्ट रेजोनेंस में क्या होना चाहिए, ये क्लोज ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी यानी 340 हर्ज बराबर होना चाहिए क्या, वी बाई फोर एल होना चाहिए, फोर एल वन निकाल लिए, एल वन पहला बार है और डी यू की बात नहीं किया इसलिए हम नहीं लेंगे अपने मन से। और स्पीड ऑफ साउंड वेव 340 दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, तो स्पीड ऑफ वेव
जब 340 दिया है तो ये भी 340 हो गया और 4 L1 हो गया, तो L1 बराबर हो गया क्या 1/4 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर हो गया पहला बार रेजोनेंस में। तो यहाँ पर देखिए पहला बार जब रेजोनेंस हुआ होगा तो ऊपर से 25 सेंटीमीटर हवा, ये लेंथ किसका आया, एयर का आया, 25 सेंटीमीटर एयर है यानी ऊपर से 25 सेंटीमीटर खाली है, यानी ऊपर से ये 25 सेंटीमीटर खाली है, 25 सेंटीमीटर ऊपर से हवा है, तो यहाँ पर पहला बार रेजोनेंस हो गया था। आगे बात समझ में। लेकिन ये कहता मिनिमम लेंथ ऑफ वाटर रखने के लिए, तब ऐसा मत सोचिए कि 120 में 25 घटाते 95 सेंटीमीटर, जानते नहीं पूछा था तो 95 भी आंसर दे लेता आपका, 95 भी आंसर दिए था, चार ऑप्शन में समझ लीजिए आपका दिमाग खराब कर देगा। और क्योंकि वहां तो आप पहली बार बना रहे हैं तो मिनिमम लेंथ कहा है ना, आप मैक्सिमम लेंथ का आंसर बता रहे हैं, और इसमें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करते जाना है, करते जाना है। फॉर सेकंड रेजोनेंस, फॉर सेकंड टाइम्स रेजोनेंस में क्या होगा, यही फ्रीक्वेंसी होगा 340 हर्ज ही होगा, लेकिन 3V/4L2 लिख रहे हैं। अब L2 बराबर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 3V 340 है, I 4 है, I भी 340 है, 3/4 मीटर आया है यानी 75 सेंटीमीटर आ गया है। सेकेंड टाइम रेजोनेंस है जो होने के लिए हवा जो है कितना सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर ऊपर से खाने होना चाहिए, यानी सेकेंड टाइम के लिए ऊपर से कितना होना चाहिए, L2 जो होना चाहिए 75 सेंटीमीटर खाली होना चाहिए हवा, तो नीचे से पानी कितना भरना पड़ेगा, 120 में घटाइए 75, 45 सेंटीमीटर। अभी भी हम बात नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे, फॉर थर्ड टाइम रेजोनेंस की बात करेंगे, फॉर थर्ड रेजोनेंस की बात करेंगे, सर ये तो थर्ड का था ही, फिफ्थ रेजोनेंस की बात करेंगे, फिफ्थ रेजोनेंस की बात करेंगे, ठीक है। तब फिफ्थ रेजोनेंस में आइएगा तो क्या होगा, 340 यही होगा, लेकिन 5V/4L3 कर देते हैं, तो L3 जो थर्ड बार आया आपका तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा 340 × 5/4 × 340 यानी 5/4 यानी कि हो गया कितना, आप बोलिए जल्दी से, 125 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया, 125 सेंटीमीटर आ गया। अगर आप बताइए लेंथ ऑफ पाइप कितना है, 120 सेंटीमीटर है, तो 125 सेंटीमीटर हवा कहाँ से लाइएगा इसमें, यानी कि आपको इसका आंसर अब नहीं आएगा। इसी तरह से चेक करना पड़ेगा हर बार आपको, कोई उपाय इसका नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं आपको, तो थर्ड वाला में तो 125 सेंटीमीटर हवा हो ही नहीं सकता है, इसलिए सेकंड वाला ही आंसर सही होगा, इसलिए सेकंड वाला आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ 120 सेंटीमीटर लंबा है ये पाइप, आई कर रहा है कि नहीं, हम जब रेजोनेंस सॉरी जो फिफ्थ रेजोनेंस जब होगा तो आपको हवा का लंबाई चाहिए 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर हवा का लंबाई चाहिए, तो वो तो संभव ही नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मिनिमम लेंथ ऑफ वाटर जो होगा, मिनिमम हाइट ऑफ वाटर जो होगा, हाइट ऑफ वाटर फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस आप ही बताइए क्या, 120 सेंटीमीटर में से कितना घटाना पड़ेगा, 75 सेंटीमीटर घटाना पड़ेगा, यानी आंसर कितना गया आपका, 25 × 20 = 45 सेंटीमीटर आपका मिनिमम वाटर का लेंथ रहेगा तब रेजोनेंस करेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर 120 सेंटीमीटर के बदले हम 130 सेंटीमीटर दे देते ये लंबाई पाइप का, तब क्या हो जाता आंसर, बोलिए जल्दी से आप लोग कौन बोलते हैं आंसर, बोलिए लेंथ ऑफ सेंटीमीटर वाटर का 5 सेंटीमीटर हो जाता ना, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका, क्वेश्चन का कैसे बनाना है, पकड़ के रखिए क्वेश्चन कैसे बनता है जो, है ना, तब समझ में आएगा बात आपको क्या करना है जो। चलिए इसके आगे फिर क्वेश्चन है, देखिए तो इसको मिटा दूं ना, सबसे पहले ये बताइए आप, चलिए क्योंकि बात समझ में आ गया होगा, हमें नहीं लगता कि आप लोग को कष्ट भी रहा होगा अब, है ना। देखिए अभी साउंड में 2-4 क्लास लगेगा, टेंशन नहीं लेना है, है ना। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे बिट्स फ्रीक्वेंसी, और उसका हम आज ही आप लोग को असाइनमेंट भेज दिए हैं, अगला दिन पढ़ेंगे बिट्स फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद एक है
उसका एक सबसे पहले भेजे थे नीट का क्वेश्चन वाला, वो भी बता देंगे सारा। चलिए बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं, तो देखिए क्या होगा उस बात को समझ लीजिए इसी तरह से, है ना। देखिए एक क्वेश्चन है जो हम बताना चाहते हैं आप लोग को, है ना। वो क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका ये है, है ना। क्वेश्चन है इस तरह से, इसको बना कर भी तुम भेजना है और मीटिंग कर जाएगा तो घर से बना के व्हाट्सएप पर भेज देना है। और ट्यूनिंग फॉर्क देखिए क्वेश्चन लिखते चलिएगा, ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ज इज हेल्ड ओवर रेजोनेंस ट्यूब एंड रेजोनेंस इज ऑब्टेंड एंड रेजोनेंस इज ऑब्टेंड व्हेन कॉलम ऑफ एयर कॉलम ऑफ एयर आर 32 सेंटीमीटर एंड 99 सेंटीमीटर देखिए क्या था 99 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर और बी पार्ट में बताना है आपको, मतलब सेकेंड पार्ट में, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी कहता है कैलकुलेट इंड करेक्शन दोनों बताना है आपको, यानी इंड करेक्शन भी बताना है कि क्या होगा और स्पीड ऑफ साउंड वेव एयर में क्या होगा ये भी बताना है। बात समझ ली अच्छी तरह से, क्या बतलाना है और क्या नहीं बतलाना है, जो स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर और इंड करेक्शन भी बताना है कि क्या होगा। देखिए ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, आप सोच लीजिए। इसलिए कहते हैं साउंड का क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में नहीं बना तो किसका बनेगा, इसे फार्मूला याद करना है, आप तो दिमाग लाते रहिए कुछ नहीं बनने वाला है। अगर आपको फार्मूला याद है तो एक आंसर ऐसे लिखाएगा तुरंत, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी का फार्मूला अभी डिराइव किए थे कुछ, याद है आप लोग को, याद कर लीजिए। सर 2F into L2 minus L1 L2 minus L1 वैल्यू पुट कीजिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यानी 2 × फ्रीक्वेंसी 256 और L2 minus L1 को थोड़ा सा मीटर में बदल के लिखिएगा यानी 0.99 minus 0.32 गुना भाग आपको करने आता है इसलिए आगे हम नहीं का बात करेंगे। अब इंड करेक्शन, तो इंड करेक्शन की फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहाँ फॉर्मूला पर सारा काम चलेगा। इंड करेक्शन का फॉर्मूला याद कीजिए कि क्या था आपका, है ना, L2 minus 3 L1 by 2। अगर फॉर्मूला याद है तो काम बनेगा और नहीं याद है तो काम नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई आप लोग को कि किन्हीं को कष्ट भी है। तो एक्सपेरिमेंट के से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा ना उसमें आपको फार्मूला याद रहेगा तभी काम बनेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। किन्हीं को कोई डाउट हो, कोई परेशानी है तो हमको बतलाइए क्योंकि क्लास अब एंड होने वाला है। चलिए किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है तो क्लास अब एंड करते हैं, है ना।